ماما جي مجھے بیٹھے اندل کمان اتنا برا ماں گنگا کی اندر مجھے بیٹا ڈوب گیا اچھا کرو مہدال گرا ہو سکتا ہے یہاں پر ہوگا نے اس کو اوپر کر لیا مہدال گرا مہدال گرا مہدال گرا یہ بڑا مہدال گرا ماما جی ایک جال مہا جال بھیک کر کے دیکھو یہ ماں گنگا کی اندر بیٹا مجھے ہوگا مرے ہوئے بیٹا کی لاش مجھے یاد ملے ارے ہو سکتا ہے نیا یہاں پر ڈوبا ہے یہاں پر مہجال پھینکو کہیں ہو سکتا ہے اس میں ہوگا تو نکل جائے گا ہے ماں گنگا آج میں تمہیں اندر ماں بیٹا اندل کی جھنجھیر کھلا رہا تھا ارے بھائی بلا آج ماں گنگا مجھے بیٹا اندل کمار کہا گیا میں اس سمے ماں میں مہا جال پھینک رہا ہوں کیونکہ میں ڈائی دل کو مرے ہوئے لحاظ مجھے چاہیے بیٹا رودل یہی بیہودا نا کو ڈبایا ہے اس کو کو مہا جال پھینک رہا ہے ہمارا یہاں لڑکا ڈوب گیا ہے اس کو خود یہ دیکھو مہا جال پھینک کر کے یہ ماں گنگا کی اندر جھاپ لگا کر کے دیکھو دیکھو کیونکہ مجھے بیٹا اندل کمار کہا آخر میں اگلے نیا دھاتا تھے کیوں لاکھے بار لا پھکو مہجال پھکو مہجال پھکو دیکھتا ہے کیا آہ ہمار جائی جلو آہ ماما جی آئی گجرے میلا دیکھو بھائی کے بات جلدی کھلو بھیا دونوں مل کے کھینچو جلدی کھینچو ادھر نہیں آؤ ادھر 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 دیکھو ابھی ابھی ادھر ہوگا ادھر کہتے کہ رکھو کی آئی کے میاں بیٹے میں کہیے میں
कहीं नहीं मिला है रुदन अब सबूर संतोष करो अब कहीं नहीं मिला इस गंगा में नहीं है हो सकता है कहीं दूर फंस गया अब यहां से चलो महाराज क्या करेगा रोने ढोने से कुछ नहीं बनेगा अब यहां तुम्हें रोने ढोने से कुछ नहीं बनेगा ऐसा करो अब चलो बहुत विलंब हो रहा है वहां महारानी सोना इंतजार करती होगी खबर सुन लेगा उसको भी दिल में सबूर संतोष हो जाएगा बाबा जी मैं कौन सा चेहरा दिखाने के लिए मैं दादाजी से जाऊंगा क्या करेगा क्या मैं जाकर के मैं भाभी सोना से कहूंगा तू यहाँ क्या करेगा यहाँ क्या करेगा रोना रोना से तुम्हारा लड़का चला आएगा चलो ना हूँ मामा जी आया है आइए के गोटे खेलो ना रहे मोहबा हम जरा मामा जी आइ तो ने चले जबाबा हम मामा जी चुप हो जा सबूर संतोष करे भाभी तेरी जुलूम गुजर रही आयू दसी क्या जा हम क्या करेंगे या तू क्या करेंगे क्या बात क्या कर बाबा बर्तन लूटोगी बाबा अरे सबूर करो देखो हाथ में दर्द नहीं होता है तू छत्री है तू ऐसे करेगा वो तो नारी को जाती है उसको क्या बीतेगा सबूर करो और चलो महाराज क्योंकि मैं यहाँ से भाभी को क्या कहूँगा मुझे दादा आला सिंह अमर पति आला सिंह है अरे मैं उसे समझाऊंगा मैं दादाजी से क्या जवाब दूंगा क्या मुझे बेटा इंदल कुमार को मैं कहा हम है ना उसका जवाब हम देंगे हम उसे समझाएंगे बुझाएंगे तू चलो यहाँ रोने ढोने से कुछ नहीं अच्छा चलो चलो हूँ आई चलो हूँ मामा जी आई किला बाबा चलो रोने से कुछ नहीं बनेगा चलो चलो अच्छा चलो मामा बाबा क्या बीचेला बहुत दिन बीत रहा है उदय सिंह को
काशी मेला में गया है अभी तक लौट करके नहीं आया है। अरे पोता बा रे हमें नहीं जाना लियो काशी जी लड्डू भाई ए दे तौरे पोता बा अरे राजा के कारनामा काशी में तोरा डुबाई ए दिल कर दे पोता हरि अरे बाबा रे पोता रे पोता बाबा जी पूछता हूं हमरा रे पोता बाबा आप रो रहे हैं हमको कान्या दो अरे बहुत कहे बताओ बताओ इंदला रे इंदला रे रे कथी लोक नजर गेलिए रे बेटा बा बाबा जी क्या रो रहे हैं आप हमको कान्या दो क्यों पता कोई ज्यादा रे पता रे पोता बाबा कही बताओ क्या बात है हमको कहा नहीं जाता अरे पोता अरे मामा बताओ क्या बात है इतना व्याकुल हो तुम व्याकुल होने के कारण जानने के लिए चाहते हो हाँ मामा तो सबसे पहले ये बता कि रुदल के साथ में तुम्हारा कभी दुश्मनी भी था नहीं मामा रुदल और यारा दोनों भाई है सहोदरा भाई भाई में दुश्मनी नहीं होता है भाई वो ना सहोदर भाई हो चाहे पोता रे मामा सही सही बात को बताइए हमरा कान्या दे हमरा पोता की याद आ भैया क्या हो गया बताइए ना हमें कहे छिया कहियो लड़ाइयो झगड़ा कर लिए रुद्रास नहीं जब से मैंने दोनों भाई राज महबा में जन्म लिया तब से आज तक भाई में कुछ नहीं हुआ प्रेम प्रेम रहा लेकिन ओकरा एना नहीं करा के चाहिए कर दिया राज के कारण इंदिरा के डुबा के मार दो अरे पोता रे पोता मामा अपने मुख पर ताला लगाओ मेरे भाई का किसी तरह को कहा तो मैं ताला मार दूंगा हमको क्या लेना देना है हम तो साथ में था उसको आंख से देखा कि इंदला की टंगरी पकड़ के काशी जी ने फेंक दिया ऐसा हो नहीं सकता जिस पुत्र को उदय चंद अपने हाथों से गोद में खिलाकर पाला है पोसा है उस बेटा को भला कर सकता है फेंक सकता है अल्लाह तू अपना दिल में जो कुछ भी सोचो लेकिन हमको कान में कहा कि मामा यदि इंदला रहेगा तो आधा राज को हकदार बनेगा इसको ऐसा करते हैं कि डिबिये बता देते हैं तो मैं अकेला राज करेंगे रुदल ने टंगरी पकड़ के इंदला पोता रे पोता जखनी ओकरा भी गए रहो तखनी हमरा करे अरे हमें करियो कि हम वृद्धा शरीर रुदला छुआन जहान हमरा ने कुछ केन पकड़ के दल के उन्ने के ठेल मामा तुम तो शुरू से राज महबा को आग लगाने पर तुले हुए हो नहीं बाबू आप तो वो सब बात हम छोड़ दिया कितना दिन हो गया
अब सब नहीं करते तो मामा मुझे विश्वास नहीं होता है। नहीं विश्वास होता है तो देखना ना केंदला को साथ लेके आएगा। हमको बात का विश्वास नहीं होता है। मुझे विश्वास होगा जब आप गाय को पुच्छी पकड़ करके क्रिया खाओगे तब मुझे विश्वास हो जाएगा। अब भी करी हमें तो मारा भला छेबे कभी क्रिया खाए ले लड़ाई लगाए तोरा ऐसे विश्वास नहीं है। नहीं मामा हमारा तो पोता के आई ना भैया के माँ के पोता रे रहे रे तो एक लोटा पानी दे रे रे पोता रे फोर। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने वाला नहीं है। गाय का पुच्छी छुएंगे तो विश्वास होगा। गाय का पुच्छी छूना पड़ेगा और अपना बेटा लगाकर क्रिया खाना पड़ेगा। अल्लाह नहीं विश्वास है तो मैं अपना बेटा क्रिया खाता है कि इंदिरा के टंगड़े पकड़ के काशी जी ने फेंक दिया है। मैं अपने आंखों से देखा, मुझे विश्वास नहीं होता है जो भाई उदय चंद मेरे बेटा को गंगा पे फेंकेगा। नहीं विश्वास होता है। नहीं तो रुदल आते होंगे और उसको पूछना कि मेरा पुत्र कहाँ है। अच्छा चाचे चा चेहलिया हो मामा हो आज तो बताइए। दरबार में उसका इंतजार करता हूं। ठीक है और चूटा के सुतारा लंदा ने बाहे रखे हम मेरा किया के मैंने लगाए मेरा लगाई दे मेरे महाबा में आ भैया हो सुना ला हमारी रे पा तुझे सुतारा ले दे तो
अपना दिल का गंगा घाट का समाचार आओ जखते लई थरा चा जनमुआ हौ दादा जी आई पुज रही पे अल्लाह दादाजी आज तक मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं छोड़ा था आज तू कह रहे हो कि भैया इंदल गंगा गंगा किनारे में हेरा गया दादाजी आज मैं बेटा इंदल को मेला घुमा करके मैं बोला बेटा इंदल चलो तुम्हें राजमहबा में जाकर के छोड़ देता हूं लेकिन बेटा इंदल कुमार मुझे बोला नहीं चाचा जी आज मुझे मन में लालचा है कि माँ गंगा में झिंझेर खेलता इसी टाइम बेटा इंदल को लेकर के मैं माँ गंगा में झिंझेर खिलाए ऐसे नहीं आंधी उठा क्योंकि नैया उसी जगह डूब गया बेटा इंदल मुझे कहां चला गया मैं अभी तक नहीं देखा हूं समझ गया मैं तुम राज के लिए मेरा खिलौना बेटा इंदल को गंगा में फेंक दिया आई गलतिया हो दादाजी आई भेला रूदल दादी
चीत फटे वही मीठ से चीत फटे वही मीठ से सुनो पंडित विचार मेरे सर में दर्द है और तुम्हारे पुत्र सो गए नहीं दादाजी मैं बेटा दल को मैं अपने आप नहीं दुबारा दुभाया तूने मेरा बेटा को मेरा बेटा को दंग कर दे फेंक दिया नहीं दादाजी मैं अपना बेटा को इंदल कुमार को रुदल से कैसे फेंक सकता आओ कतले आई तू बोलिया हूँ मर का दादाजी आई बोला रुदल से चलो तुम रंग महल में चली जाओ इस पापी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा आ गई भारी ते गई जुलमुआ है बनकी भवु आई भी तो मेला बा देवर जी